जवाब दिया तारा माफ करना, हम बच्चे को पानी नहीं पिलाएंगे, अगर ये पीना चाहता है तो इससे पूछो, हम मना भी नहीं करेंगे। विश्वामित्र देवता पीछे आए, क्यों हरिश्चंद्र ये लड़का गिर कैसे गया, अरे मर गया क्या? बोले बोले महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। विश्वामित्र बोले हाँ अभी बेहोश होगा और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, अरे नुकसान तो ले रहा है, तो तीनों में से भी मर गया कौन देगा हमारे संकल के पड़ा के बच्चा, ये मेरा कमंडल ले से पानी पिला ले, चिंता बने बनेगा हम नहीं पिलाएंगे, तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे ना। देखा रहता तेरा बाप कितना पत्थर दिल का है, दुनिया में और किसका होगा, लेकिन ये तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जा रहा बेटा, ये कमंडल लो पानी पी लो जिंदा बने रहो। रोहितास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे, क्यों? तो रोहितास बोले ये बात भी है ना, तो रोहित के पुत्र ने हम पानी तब तक नहीं पिएंगे महाराज जब तक हम तुम्हारी कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। उठी और फिर भागने लगी, पहुंच गए काशी में, विश्वामित्र गलियों में आवाज लगाने लगे, सुना गांव के लोगों जितने भी काशी के लोगों अगर मेरी आवाज सुने तो कान खोल के सुनो, आवाज लगाई विश्वामित्र, और जब आवाज विश्व
विश्वामित्र लगाई है बस बताओ। अब लंबी भीड़ लग गई वहां देखने को, अब भीड़ तो काफी है, देखने वाले तो सब है, लेकर खरीदने वाला कोई नहीं है। हरीश्वर सब के चेहरा की तरफ ले आ रहे, थम तक एक मेहतर आगे बढ़ा और कहने लगा कौन बेच रहा है? विश्वामित्र कहने लगे हम हम क्या चाहिए? पुरुष लड़की को बच्चे को छोड़ इस नौजवान को हम खरीदेंगे, वो भी ऐसे नहीं, एक शर्त है, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करेगा तो वैसे हमें कोई मतलब नहीं। अब हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और मेहतर से बात की, भैया मर घटिया से भी घटिया निगाह में तेरे कोई काम हो वो मुझे दे दे, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। वो हरिश्चंद्र होते हुए बोले पूजा के लिए फूल लाता रहेगा, ये बहुत है। पहले तीनों प्राणी पास में ही खड़े हैं, लेकिन जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास और तारा के पास ब्राह्मण के पास कलीजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से सिर्फ एक बात निकली है, मेरी घर की गृहणी तेरी जय हो। दुनिया भर में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो हमने किया है, आज तक अपनी पत्नी को किसी ने नहीं बेचा तारा। लेकिन पहले पाप ये हम है जिसने अपने मतलब के लिए तुम्हें ही बेच दिया, लेकिन ये तारा कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। और होती हरी सब तारा सुन बोले शादी तुम्हारे साथ हुई थी। तारा जो ये शब्द सुने तो तारा रोने लगे, दोनों हाथ जोड़े और विश्वामित्र से जाके बोली प्रभु अगर आप हमें बेच ही रहे हो तो हमें अलग क्यों कर रहे हो महाराज? अगर भेजना ही है तो एक ही जगह भेजो, ये बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहूंगा।
विश्वामित्र बोले चिंतारा अब चाहे मर जा, दक्षिणा मिल गई है, चिंतारा चाहे मर जा, मैं क्या करना, उठी हो चल। हरि सम्वेतर के साथ चले, तारा अमृता ब्राह्मण के साथ चले, तीनों प्राणी एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे। क्या गुजरती होगी जब पति पत्नी को मां जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। हरिश्चंद जब थोड़ी दूर निकल गए तो तारा से भी रुका गया और तारा बोली हरिश्चंद से बोली थोड़ी देर और रुको प्रभु, तारा को समझाते रो नहीं तारा, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, अब इधर बेहतर के घर चले आए महाराज, ब्राह्मण के घर दोनों वो चले गए। पूरी रात लेट करके विश्राम किया और विश्राम करने के बाद जब सवेरा होगा तब तक बेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? अरे लेते हो, लेते ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। सुबह सुबह जल्दी जाना और झाड़ू लेके बाहर जाओ, काशी गलिया साफ कर गया, हम इधर ही बैठे ठीक है ना, अभी जाओ, अभी आओ, हम जा रहे हैं, अभी आके तुम्हें दूसरा काम भी बता रहे ठीक है। अब काशी गलिया साफ करने के लिए चले हरिश्चंद्र बाबा। देखो वो ही राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर एक आदेश करते थे, वो आज एक बेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समय को बदलते देर नहीं लगती श्रद्धा, समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं ना, ऐसे ही आदमी के जीवन में भी मौसम बदलते, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, ऐसे कभी भलाई कभी बुराई, कभी सम्मान कभी अपमान, हर आदमी का समय एक जैसा नहीं रहता। देखा होगा जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, देखा होगा जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का कोई इंतजाम नहीं था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिनके पास इतनी दौलत थी जिन्हें ये पता ही नहीं था कि मेरे घर में पैसा कितना, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मांगे भीख नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो चार पाई सुन के खड़े भी नहीं हो पाते, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से जलन हो जाती है, घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते, कभी रजाई को दूर फेंकते, जैसे आज मौसम है। समय का बदलाव।